डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब आपका एक प्लेन है, ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो वेक्टर फॉर्म में आप देखिए, एक पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट P ले लीजिए आप, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये A है, और जो प्लेन है वो हम कह रहे हैं ये पाई वन है, ये पाई वन है। उसकी इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन तो हम जानते हैं, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ओके, एक और प्लेन लीजिए पाई टू, इसी P से पैरेलल टू पाई वन, इसी से पैरेलल। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल क्या होगी पाई टू की, ये नॉर्मल यही होगी, दोनों के लिए एक ही नॉर्मल होगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर माइनस ए, आर माइनस ए, देखिए ये जो आर, अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो यहां पर मुझे, मैं ट्राइंगल वाले से ये ए है, और मैं कोई भी पॉइंट आर लेता हूं तो आर माइनस ए बनेगा, ये भी हम देख चुके हैं। आर माइनस ए इंटू कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इस जगह पॉइंट ले लीजिए, तो जब भी ये पॉइंट लेंगे तो ये जो बनेगा, अगर ये आर है तो ये आर माइनस ए बनेगा। आर माइनस ए डॉट एन कैप, ये इसको बराबर कर दीजिए, मतलब आर डॉट एन कैप इक्वल टू ए डॉट एन कैप। तो जो डिस्टेंस है ओ एन डैश का इस प्लेन का ओरिजिन से, वो है ए डॉट एन का मॉड। तो डिस्टेंस पी क्यू का क्या होगा, प्लेन पाई वन से, यहां से देखिए इसको हम बात कर रहे हैं ओ एन, ये ओ और ये एन, ये पी है, ये एन डैश है, ये हम डिस्टेंस डी की बात कर रहे हैं। और इसमें भी अगर देखें आप तो वही वैरायटी है, लेकिन दोनों प्लेन दोनों अलग साइड पे है, ये ए है, ऐसे आप यहां पर भी देख सकते हैं, अगर ये एन है तो ये एन डैश है, इसी तरीके से ये एन है तो एन डैश है, दोनों अलग साइड में, ये एक साइड में। तो इसमें ये कहा गया कि जो ओ एन माइनस ओ एन डैश है, क्योंकि जो डिस्टेंस ओ एन है इस प्लेन का ओरिजिन से, वो तो ये हो गया, तो जो डिस्टेंस है पी क्यू प्लेन पाई वन से, वो है आपका ओ एन माइनस ओ एन डैश। यानी कि अगर आप इसकी बात करें यहां से यहां तक, तो ये होगा ओ एन माइनस ओ एन, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक माइनस ओ एन डैश, इसमें भी यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ओ एन प्लस ओ एन डैश की जगह ओ एन माइनस ओ एन डैश की जगह ओ एन प्लस ओ एन डैश हो जाएगा, ये दोनों आपको जोड़ने पड़ेंगे तब आएगा। जहां पर ओ एन माइनस ओ एन डैश, ओ एन डैश, ओ एन हमारे पास डी है, और ये तो खैर ए डॉट एन, अभी हमने देखा ओ एन डैश क्या है आपके पास, ये ओ एन डैश यहां रख दीजिए, जो ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट का किसी गिवन प्लेन में। अब दूसरे के लिए अगर हम रिजल्ट लें तो आप ध्यान रखिएगा, दूसरे के लिए अगर रिजल्ट निकालना है तो हमको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं आपको कि यदि इक्वेशन किसी प्लेन की पाई है और वो इस फॉर्म में है, जहां पर एन आपका नॉर्मल है उस प्लेन के, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ए डॉट एन माइनस डी बाय मॉड ऑफ एन, और जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर की ओरिजिन से इस प्लेन के लिए वो होगी डी बाय, क्योंकि ओरिजिन में आपका जीरो जीरो से ले रहे हैं आप, कोई पॉइंट नहीं लेना आपको। कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा, जैसे अगर पी है कोई पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, ये आपकी पोजिशन, ये जो प्लेन है उसकी इक्वेशन है। अब ये जो है P है, इसका जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है वो A है, तो A किस तरीके से दिखाया जाएगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और यहां पर N क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर ये इक्वेशन है प्लेन की। तो अगर हम इसको, जो इक्वेशन अभी अभी हमने देखी, इसमें रख दे तो क्या बनेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस डी बी करना है, साथ में अंडर रूट इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसका, जो आपकी प्लेन की इक्वेशन होगी। तो ये बेसिकली आएगी, यानी कि आपको करना क्या है, जो इसकी इक्वेशन है इसमें आपको x1 y1 z1 रख देना है d को इधर लाके, और इसी a b c को अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड कर देना है। आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से, तो कैसे करेंगे, a आपके पास क्या आ गया 2i plus 5j minus 3k, जो n कैप है या n आपका है वो यहां पर 6i minus 3j plus 2k दिया हुआ है, और डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, सीधा आप इसमें रख दीजिए। यानी कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का इस प्लेन से, उसका मतलब ये दोनों का आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस करेंगे इससे डी से, और फिर इसका मॉड निकालेंगे किसका, ये का एन, इस वाले का, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना इसका निकालते हैं सिक्स आई, ये वाले का सिक्स आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, यानी कि सिक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा।